गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, हमारे यहाँ लाइट गई है, सभी मीटर में लाइट नहीं है, लाइट गई है। ये दो मेरे नीचे के मीटर है, सोलर सिस्टम के ऊपर का नेट मीटर है, नीचे का चेक मीटर है, ये मेरे फ्लैट का है। अभी लाइट जाने के बाद ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे वर्क होता है आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ऊपर में सोलर इन्वर्टर के पास जा रहा हूँ। ये दो फ्लैट है मेरे, दिखाता हूँ इन्वर्टर के पास जाएंगे। अभी देखिए, इन्वर्टर रेड हो गया है, रेड साइन दिख रहा है आपको। आप हमेशा देखते हैं यहाँ ग्रीन लाइट होता है, अभी रेड लाइट है। ये इंडिकेटर देखिए, ये मेंस का इंडिकेटर है, ये बंद हो गया। ये ग्रिड टाई इन्वर्टर को सेफ्टी फीचर होता है, जब ग्रिड्स फेलियर हो जाता है तब ये इन्वर्टर बंद होता है दोस्तों। पैरामीटर क्या देखेंगे, दिखता है पावर लिखे 0-0। पावर अभी एक्चुअली बना रहा है, पर ये डीसी का एसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, सेफ्टी फीचर इसको रहता है। जब ग्रिड फेलियर हो तो ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, कितना भी बड़ा हो। ये ओनली 2 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का हो, 25 किलोवाट का हो, 50 किलोवाट का हो, कितना भी बड़ा ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो, ग्रिड टाई इन्वर्टर हो, मेंस कट होने के बाद ये सेफ्टी फीचर में जाता है। सेफ्टी फीचर होता है इसे, ग्रिड फेलियर होने के बाद ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी लगभग 1.5 घंटा हुआ लाइट गई है, अभी 4 बजे है। सुबह से देखिए 6 यूनिट बन गए, 6.1 यूनिट बन गए सुबह से। 2000 के आगे यूनिट मेरे बन गए अभी तक 8 महीने में, लगभग 2080 तक बन गए। ग्रिड देखिए 0-0 दिखा रहा है, झेड भी 0-0 दिखा रहा है। PV1 245 वोल्ट आ रहा है PV1 से, पर पावर उससे तैयार नहीं हो रही, इसलिए इधर वैटेज कुछ भी नहीं दिखाता, वैटेज 0-0 दिखा रहा है। देखिए नो एसी कनेक्शन इन्वर्टर में लिख के आ रहा है, नो एसी कनेक्शन माने ग्रिड फेल्योर हो गई है, अपने यहाँ की लाइट गई है। जिन एरिया में बार बार लाइट जाती है दिन के टाइम, अगर जिन एरिया में दिन के टाइम बहुत लोड लाइट्स कट्स है, वही उस एरिया में ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर या ग्रिड टाई इन्वर्टर का कुछ रोल ही नहीं है दोस्तों, रोल बहुत कम हो जाता है। ये बिजली नहीं बना पाता, जनरेशन नहीं कर पाता लाइट गई तो, इसलिए वह बैटरी वाला इन्वर्टर ठीक है। जिस रिमोट एरिया में बिजली कट्स बहुत लगते हैं वहाँ आप ऑफग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफग्रिड इन्वर्टर माने बैटरी वाले इन्वर्टर। और ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना हो तो हाइब्रिड इन्वर्टर भी आप इस्तेमाल में ले आ सकते हो। हाइब्रिड इन्वर्टर में बैटरी भी आती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सभी हो सकता है। वो बंद हो, हाइब्रिड इन्वर्टर बंद होता नहीं लाइट्स कट्स लगने के कारण, लाइट्स कट लगने के बाद हाइब्रिड इन्वर्टर बंद होता नहीं दोस्त, चालू रहता है, बैटरी चार्जिंग उसका चालू रहता है। बैटरी पर आप घर के इक्विपमेंट चला सकते हो, ये ओनली नॉर्मल ग्रिड टाई इन्वर्टर है, अनग्रिड इन्वर्टर ये, इसलिए अभी बंद हो गया है। ये रेड साइन दिखा रहा है, नो एसी कनेक्शन दिखा रहा है दोस्तों, पावर 0 वाट तैयार हो रही है।
ये सुबह का, सुबह से इतना यूनिट बन गया लाइट जाने के पहले तक। जिस एरिया में लाइट्स कट जीरो है, जैसे कि हमारा पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे, पुणे में भी लाइट्स कट्स जीरो है दोस्तों। ये हमारे यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली, यहाँ भी लाइट्स कट बहुत कम है हमारे एरिया में। तो भाई इस उस एरिया में ये ऑनग्रिड इन्वर्टर बहुत सक्सेस है, दिन भर बिजली बनाते रहता है ये। आप जितनी इस्तेमाल करोगे उतनी इस्तेमाल करोगे, बची हुई ग्रिड को एक्सपोर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली नेट मीटर थ्रू। ये आपको मुझे दिखाना था लाइट जाने के बाद ग्रिड टाइम इन्वर्टर कैसा वर्क होता है, ये आपको दिखा दिया मैंने। रेड साइन आ गया। अभी 8 महीने में लगभग 1-2 घंटे ही लाइट, 2-3 घंटे ही लाइट गई है हमारी 8 महीने में। यहाँ बहुत बहुत कम लाइट्स कट लगते हैं हमारे एरिया में, इसलिए बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ और ऑन ग्रिड इन्वर्टर बिठा के लिए और अभी भी बिठा रहे हैं दोस्तों। देखिए धूप भी एकदम कड़क धूप निकली है दोस्तों, पर कुछ भी इसका फायदा नहीं है। अभी लाइट जाने के कारण इन्वर्टर स्टैंड बाय मोड में गया है, प्रोटेक्शन मोड में गया है इन्वर्टर, इसलिए बिजली नहीं बन रही है और वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहे और हम यूज़ भी नहीं कर सकते। यही आपको जानकारी देनी थी मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और लगभग 433 वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख लीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। हाउ टू रिपेयर सोलर वाटर हीटर मेंटेनेंस, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, 2-3 इन्वर्टर मैंने नए बैठा है उसके अनबॉक्सिंग के वीडियो आए, माइक्रोटेक का है, यूटेल के इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग के वीडियोज आए, सोलर वाटर हीटर रिपेयर आए, हाउ टू रिपेयर, सभी तरह के वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों, आप देख लीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।